नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे अंकुरित मूंग दाल के नाश्ता। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं नींबू का रस, प्याज, टमाटर। हमारा फ्राई पैन गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। थोड़ा सा जीरा, चुटकी भर हींग। अब हम डालेंगे अंकुरित दालें। दाल को थोड़ा हिला देंगे, यानी कि अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ऑयल के साथ। हमारी दालें हल्की सी भून भी चुके हैं और ऑयल के साथ मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे आवश्यकता अनुसार नमक, हल्दी चुटकी भर। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधी कप पानी। इन्हें हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ा सा ही पकाना है, इसलिए मैं यहाँ पे आधी कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर इसे बहुत ज़्यादा बॉईल करना चाहते हैं तो आप और ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे। दस मिनट हो गए हैं, अब हम ढक्कन को हटाकर देख लेते हैं हमारी दाल पक गई है कि नहीं। हमें इतना ही पका चाहिए, ना तो ये कच्चा है ना तो ये पूरी तरह से पका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। दाल को किसी और बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। हमने मूंग दाल को किसी बोल में ट्रांसफर कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, बारीक कटी हुई प्याज, अनार के दाने, बारीक कटी हुई खीरा। हम सलाद को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमारे सलाद बिल्कुल मिक्स हो चुका है, तैयार है हमारी सलाद। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।